सीकर का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अब आपको 2 साल बाद जब आप सीकर का रेलवे स्टेशन देखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये एयरपोर्ट है कि रेलवे स्टेशन, ऐसा चमकेगा। बताओ, सीकर को मेडिकल कॉलेज दिया कि नहीं दिया? मिला कि नहीं मिला मेडिकल कॉलेज? मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था उस समय, सुमेधानंद जी हमारे सांसद, जो अभी भी सांसद है, उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज देना है। मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, प्रधानमंत्री जी ने बोला हमसे पूछते क्यों हो, करो जल्दी करो और सीकर को भी मेडिकल कॉलेज दो, और सीकर को मेडिकल कॉलेज मिला। आपके यहां 9 साल पहले 14 ट्रेनें आती थी, आज 49 ट्रेनें आ रही हैं। 49 ट्रेन नैरो गेज से ब्रॉड गेज हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, ये आम आदमी को सुविधा दी गई, सड़कें बनाई गई, रोड बनाए गए और विकास की एक नई कहानी लिखी गई। मित्रों, मैं यहां आपसे यह भी बताना चाहता हूं कि आप हमारी सरकार लाएंगे तो हम जो करने वाले हैं वो भी आपको बता देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अभी आपको 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी भेजते हैं। आपने श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिता के भेज देना, साल के किसानों को 12,000 रुपए मिलेंगे। गेहूं की खरीदी एमएसपी के ऊपर 2,700 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, और जिन किसानों की भूमि ली गई है उनको हम कंपनसेशन पॉलिसी के तहत उनको हम कंपनसेट करेंगे, उनको हम न्याय दिलाएंगे। इसके साथ साथ हमारी माताएं इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, हम आपको बताना चाहते हैं, श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिताइएगा। मैं फिर बोलता हूं, यह चुनाव व्यक्ति का नहीं है, यह चुनाव पार्टी का है, यह चुनाव राजस्थान के विकास का है, यह चुनाव राजस्थान के अस्मिता का है, इसको आपको समझना पड़ेगा। और मैं कहूंगा श्रवण चौधरी जी को चुनाव जिताइएगा। बहनों को बताना चाहता हूं, हमारी सरकार ने तय किया है कि हम लाडो प्रोत्साहन योजना चलाएंगे, और लाडो प्रोत्साहन योजना में जो बच्ची पैदा होगी उसी दिन उसको 2 लाख का एश्योरेंस बॉन्ड हम भर करके देंगे। और ये 2 लाख का एश्योरेंस बॉन्ड ऐसा होगा कि जब बच्ची 6 साल की हो जाए, छठी कक्षा में पहुंचेगी तो साल का 6,000 रुपए मिलेगा, जब 8वीं में पहुंचेगी तो साल का 8,000 मिलेगा, जब वो 10वीं में पहुंचेगी तो साल का 12,000 मिलेगा, और जब वो कॉलेज जाएगी तो उसको 50,000 रुपए मिलेगी, और जब वो 21 साल की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। जब बच्ची मेरिट में आएगी 12वीं कक्षा में तो उसको फ्री में स्कूटी दी जाएगी, और गरीब बच्चों के लिए साल का 1200 रुपए हम उनकी यूनिफॉर्म के लिए और उसके पुस्तक के लिए देंगे। तो इस तरीके से विकास करने का काम तय किया है। और माताओं बहनों को मैं ये भी बताना चाहता हूं, हर सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी हम देंगे और सिलेंडर आपको सस्ता देंगे, ये भी हम आपको। मित्रों, जो सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों ने माइनिंग में घोटाला किया, जिन लोगों ने जल जीवन मिशन में अपनी जेब गरम की, जल जीवन मिशन को जेब भरो कमीशन बना दिया, जिन लोगों ने भर्ती में घोटाला किया, जिन लोगों ने मिड डे मील में घोटाला किया, जिन लोगों ने वृद्धा पेंशन में घोटाला किया, जिन लोगों ने फर्टिलाइजर में घोटाला किया, हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, एसआईटी बनाएंगे, और उस एसआईटी के माध्यम से जो दोषी पाया जाएगा, जिसने घोटाला माइनिंग में किया, जिसने घोटाला किया फर्टिलाइजर में, चाहे वो अशोक गहलोत का भाई क्यों ना हो, जिसने घोटाला किया ये भर्ती में, जिसने घोटाला किया मिड डे मील में, जिसने घोटाला किया वृद्धा पेंशन में, हम इंक्वायरी बैठाएंगे और दोषी को जेल के सीकचों के अंदर डालेंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, हमारे नौजवान इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, उनको बता देना चाहता हूं, मोदी जी ने पिछले 6 महीने में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया है, और हम वायदा करते हैं कि आपने हमारे चौधरी जी को भेज देना और श्रवण जी को भेजने के साथ साथ 5 साल के अंदर हम 2.5 लाख लोगों को नौकरी देंगे और उनको हम विकास के साथ जोड़ेंगे। उसी तरीके से हम भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे जिसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे,
15,000 नए डॉक्टर लगाएंगे और 20,000 पैरामेडिक लगाएंगे, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अगले 5 साल तक देंगे, इसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। इसलिए मित्रों आपसे मैं निवेदन करने आया हूं, श्रवण चौधरी जी हमारे बहुत ही होनहार और बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं, और हम जानते हैं कि ये शिक्षक रह चुके हैं। शिक्षक व्यक्ति जो होता है वो समाज को दिशा देता है, दृष्टि देता है और समाज को सही रास्ते पर ले जाता है। बताइए श्रवण जी को चुनाव जिताएंगे ना, जिताएंगे ना? मैं भी उधर से आवाज सुनना चाहता हूं, जिताएंगे ना, जिताएंगे ना? राजस्थान का विकास करेंगे ना, फतेहपुर का विकास करेंगे ना, सीकर का विकास करेंगे ना, सभी मां बहनों को ताकत देंगे ना, किसानों को हम आगे बढ़ाएंगे ना? ये सब बढ़ाने के लिए श्रवण चौधरी जी के लिए कमल के बटन पर दबाएंगे ना, 25 तारीख जिताएंगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।